नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य पंडित यतीश कुमार अपने YouTube चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने तेज बुखार में ठंडे पानी की पट्टी रखने का सही तरीका उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको भयंकर एसिडिटी, सीने में जलन, खाना ऊपर को वापस होना, तेजाब बनना, गले में जलन होना आदि के लिए एक बहुत ही सफल, सरल, देसी, घरेलू रामबाण प्रयोग बताएंगे। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वह खाना हमारे पेट में जाता है और उसका पाचन होता है। उसके पाचन के लिए एक एसिड निकल करके भोजन में मिलता है, इसे पाचक रस कहते हैं। उससे हमारे भोजन का पाचन होता है, लेकिन यही एसिड यदि एक निश्चित सीमा से अधिक बनने लगता है तो एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जलन शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको तीन जड़ी बूटियाँ बताएंगे, जिसमें पहली जड़ी बूटी हमारी ये अबपित्तकर चूर्ण है। ये अबपित्तकर चूर्ण किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। वैसे ये मेरे हाथ में जो है ये पतंजलि का, दिव्य फार्मेसी का ये अबपित्तकर चूर्ण है। ये बाकी और भी अनेक कंपनियां बनाती हैं, उसे आप ले सकते हैं। तो ये अबपित्तकर चूर्ण आपको, ये आपको 100 ग्राम लेना है। और दूसरी जड़ी बूटी है हमारी खाना सोडा, सोडा वाई कार्ब जिसे खाना सोडा कहते हैं। ये खाना सोडा आपको, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। और तीसरी जड़ी बूटी है हमारी मुलैठी चूर्ण। ये मुलैठी चूर्ण है, इसकी लकड़ियाँ आती हैं, तो ये आपको जड़ी बूटी विक्रेताओं के यहाँ आसानी से मिल जाता है। इसे कूट पीस करके आप चूर्ण बना सकते हैं, या ये मुलैठी क्वाथ है, ये पतंजलि का, दिव्य फार्मेसी का है। तो ये अब लगभग अध कुटा सा ये क्वाथ आता है, इसे आप मिक्सी में पीस करके, इसे आप छान करके और इसमें निकाल सकते हैं। ये 100 ग्राम का जो है पैकेट है, इसे आप मिक्सी में पीस करके अगर निकालेंगे तो 50 ग्राम तो ये निकल ही आएगा। तो ये मुलैठी चूर्ण आपको ये 50 ग्राम लेना है। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, जिसमें अबपित्तकर चूर्ण ये आपको 100 ग्राम लेना है, और खाना सोडा ये आपको 100 ग्राम लेना है, और मुलैठी चूर्ण ये आपको 50 ग्राम लेना है। इसे पीस करके और इसका जो छान करके चूर्ण बना लें तो ये आपको 50 ग्राम लेना है। ये तीनों औषधियों को आप मिक्स, इन तीनों औषधियों को मिक्स करके पाउडर बना करके बारीक, और इसे मिक्स करके अच्छी तरह से रख लें। और इसमें से लगभग 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ प्रयोग करें, तो इससे भयंकर एसिडिटी, सीने में जलन, खाना ऊपर को वापस होना, तेजाब बनना, ये सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। योग इतना चमत्कारी है कि इसकी आप एक खुराक लेंगे तो जलन अगर आपके हो रही है, आपने एक खुराक ली तो ये मान लो कि आप मिनट से पहले बिल्कुल ठंडक सी पड़ जाती है। तो दोस्तों, इसका आप प्रयोग करें। इसके साथ ही आप गर्म मिर्च मसाले, चाय, बाजार के टिक्की समोसे, चाट पकौड़ी, खटाई, अचार चटनी, इसका आप परहेज करें। और शुगर के रोगी कृपया इसे ना लें, क्योंकि अबपित्तकर चूर्ण में मिश्री की मात्रा होती है, तो शुगर के रोगी इसे ना लें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण योग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।